प्रदेश के लोगों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की नवीनतम 205 हिमधारा बसों की सौगात मिलने वाली है, जिसमें 87 नई बसें प्रदेश के विभिन्न डिपो में पहुंच गई है। हमीरपुर के बड्डू पॉलिटेक्निकल खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नवीनतम 16 हिमधारा बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधिवत पूजा अर्चना करके नई बसों को रवाना किया तो नई बसों के अंदर जाकर नवीनतम मंडलों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री विक्रम सिंह, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह, HRTC निदेशक संजीव कुमार, DDM विवेक लखनपाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने नई बसों की सौगात दी है। 205 बसों के लिए ऑर्डर दिया था और 87 बसें पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से बसों की खरीद नहीं हो पा रही थी और बसें खराब हालत में थी। ऐसे में तय किया गया था कि हिमाचल के लिए नई बसों की जरूरत थी। उन्होंने बताया कि 360 और नई बसों का ऑर्डर भी दिया गया था और बजट में 360 नई बसों के लिए प्रावधान किया गया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में HRTC में AC बसों को दौड़ाया जाएगा। यूक्रेन में पैदा हुए हालात के बाद उनके भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के ऐसे बच्चों के लिए सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए काम कर रही है और साथ ही केंद्र सरकार के साथ यूक्रेन से आए हुए बच्चों के बारे में बातचीत चली हुई है और जल्द ही कोई हल निकाला जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम में आज नई बसों की एडिशन हुई है और कुल मिला करके 87 बसेस जो है वो आ चुकी है हमारे पास। और जो मेरी बजट अनाउंसमेंट थी जिसमें मैंने तो 205 बसों का जिक्र किया था और वो एक बहुत बेहतरीन शुरुआत मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों का आना जाना, मेजॉरिटी लोगों का आना जाना जो है वो सड़क मार्ग से होता है और सड़क मार्ग में यातायात का सबसे मजबूत अगर हमारे पास कोई व्यवस्था है वो हमारी HRTC की बसें हैं। बहुत लंबे अरसे से बसों की खरीद नहीं हो पाई थी और जो बसें हमारी थी काफ़ी ख़राब कंडीशन में थी, जिनको अब चलाना उचित नहीं भी होगा। ऐसे में हमने तय किया कि और बसें में खरीदनी चाहिए, तो एक बहुत बड़ा नंबर बसों का हिमाचल प्रदेश में हमने आज जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये पूरा जो है 205 टोटल नंबर ऑफ बसेस जो जितना हमने बताया है ये पूरा होगा और 360 का और भी इस बार की बजट के अनाउंसमेंट हमारे 360 की जो है वो भी उसके लिए मैंने और कर दिया है। सबसे बड़ी बात है इसमें जो 3x2 जो AC बसेस जो है जिसमें 51 सीटर है ये और 51 सीटर बसेस जो है ये हिमाचल प्रदेश में HRTC में पहली बार जुड़ी है और एयर कंडीशन है। AC बसेस हैं ये, जिस जैसे आप देख रहे होंगे सामने वाली जो ग्रीन कलर की है तो हिमधारा इसके नाम से हमने इसकी शुरुआत की है। एक अच्छी सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी मिले और HRTC बस के माध्यम से मिले, HRTC के माध्यम से मिले, ये एक प्रयत्न है और मैं HRTC को सारे डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ, मंत्री जी को और उनकी सारी टीम को कि इस दिशा में जो कार्यवाही हुई है जल्दी हुई है और उसको पूरा करके जो है हिमाचल प्रदेश में लोगों को अच्छी बसों की सुविधा उपलब्ध हो, हमारा जो लक्ष्य था उसको हम हासिल करेंगे।